कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई। इसमें बीजेपी गठबंधन पर तीखा वार करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन के लिए जो समर्थन दिखाई दे रहा उससे साफ है आने वाले समय में 140 करोड़ के देश की जनता भाजपा को 140 सीटों के लिए तरसा देगी। भाजपा के रथ का चक्का न सिर्फ फंस गया है बल्कि धस गया। चार चरणों के मतदान के बाद चुनावी सरगर्मी और भी ज्यादा तेज हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी 400 पार के नारे लगा रही है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन 4 तारीख को अपनी जीत का दावा ठोक रही है। वहीं अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ये तक कह दिया कि बीजेपी के रथ का पहिया धस गया है। अखिलेश ने दावा किया, इंडिया गठबंधन यूपी में 89 सीटें जीत रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का नाम लिए बगैर अखिलेश ने तंज कसा, किट्टू में गठबंधन लड़ाई में है, जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था उन्होंने अपने भाषणों की भाषा बदल दी है। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। चौथे चरण का चुनाव खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था पहाड़ चढ़ चुका है, चोटी से अब उतरना शुरू हो गया है, अब लुढ़कना शुरू हो गया है। उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है, और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं 10 साल दिल्ली की सरकार और लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में हर बात उनकी झूठी निकली, वादे उनके झूठे निकले, और हाल में जो हम लोगों ने उनका चुनाव देखा है वो उनकी बूथ कमेटियां लूट कमेटी के तरह काम करने लगी हैं, और जो जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धस गया है, और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दिए हैं। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है, वो बदलाव 4 जून को आने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।